जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ सब टोटल के बारे में। जैसे सब टोटल का प्रयोग हम एक्सेल में कैसे करते हैं, कौन से फार्मूले का प्रयोग करके हम सब टोटल निकालते हैं, बस वही आज की क्लास में स्टेप बाय स्टेप समझना है और सीखना है। सबसे पहले आपको सब टोटल, जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सबका टोटल हमको निकालना है। जैसे मान के चलिए हम किसी कंपनी में काम करने जाते हैं और उसमें मान के चलिए कि बहुत सारे सेल्समैन पहले से अगर काम करते हैं और उस पूरे सेल्समैन का रिकॉर्ड हमको फाइंड करके देखना है, यानी कि हमको इसके लिए कोई फार्मूला नहीं लगाना है, केवल सब टोटल का इस्तेमाल करके देखना होता है, तो इसके लिए सब टोटल फंक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान के चलिए कि इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे सेल्समैन के नाम में कोई ऐसा नाम नहीं है जो दो बार लिखा हुआ, एक नाम मात्र एक ही बार लिखा हुआ है ना, ध्यान से देखिए तो एक नाम मात्र एक ही बार लिखा हुआ। और पार्टिकुलर अगर सेल्समैन के हिसाब से ये छांटना हो कि राजन ने माउस कसिया सिटी के अंदर कितने रुपए का सेल किया है, 36,946 रुपये, तो ये आप बता सकते हैं। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि केवल माउस की सेलिंग कितने रुपए का किया गया, तो देखिए माउस का प्रोडक्ट एक जगह, दो जगह और तीन जगह, तो तीनों अमाउंट को जोड़ने में हमको टाइम लगेगा। सपोज करिए कि हमारे पास अभी डेटा बना हुआ है, लेकिन वही डेटा अगर हमारे पास ज्यादा मात्रा में बना हो तो इस डेटा को हमको जोड़ने में टाइम लगेगा। तो टोटल का सब टोटल निकालना इसी को आज की क्लास में सीखना है। जैसे टोटल का सब टोटल का मतलब, एक जगह माउस यहाँ पे सेल किया गया है, एक जगह माउस यहाँ पे सेल किया गया है, एक जगह माउस यहाँ पे सेल किया गया है, यानी इस तीनों अमाउंट को जोड़ करके सब टोटल निकालना, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना है। और देखिए इस फार्मूले का प्रयोग कंपनियों में बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जाता है, क्योंकि मान के चलिए जो कंपनी का मैनेजर होता है वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन सा सेल्समैन कितने रुपए का सेल किया है, मतलब उसे ये नहीं होता, वो ग्रुप में पूछेगा कि इतने सारे प्रोडक्ट को मैंने, इतने सारे सेल्समैन को मैंने दिया है, तो बाबू पहले आप केवल ये बता दीजिए कि माउस कितने रुपए का बेचा गया, तो आप केवल माउस का बताएंगे रेट। या केवल आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए लैपटॉप कितने रुपए का बेचा गया, तो वो आपको केवल लैपटॉप के बारे में बताना होगा, ना कि पूरा डिटेल आपसे पूछेगा। बस उसको यही पूछना है कि बाबू आपके आज की जो सेल हमने किया है, या 2,000 फिर मान के चलिए कि जो भी मैंने सेल अमाउंट लिखा है, उस सेल अमाउंट में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो मान के चलिए कि किस प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा सेल है, ये बारी बारी से आप निकाल करके बता दीजिए, तो इसके लिए सब टोटल का इस्तेमाल करते हैं। और सब टोटल का इस्तेमाल करने से पहले आप ये समझिए कि सब टोटल का प्रयोग हम करते क्यों हैं। तो जैसे मान के चलिए कि सब टोटल का प्रयोग हम तब करते हैं क्योंकि ग्रुप वाइज हमको ये सब टोटल निकालना होता है और ग्रुप वाइज हमको समरी ज्ञात करना होता है, इसके लिए हम सब टोटल का इस्तेमाल कर पाते हैं। नहीं तो इसके पहले की क्लास में मैंने आपको पाइवोट टेबल के भी बारे में पढ़ाया था, लेकिन उसमें आपको ग्रुप की समरी नहीं मिलता था, वो डेटा आपको फिल्टर करके मिलता था, लेकिन इसमें आपको किस माध्यम से मिलेगा, ग्रुप ग्रुप के माध्यम से मिलेगा। और ग्रुप आपको पाने के लिए सबसे पहले इस पूरे डेटा को, जैसे अगर प्रोडक्ट के हिसाब से जानना है तो प्रोडक्ट को सॉर्ट करना पड़ेगा, सिटी के हिसाब से जानना है तो सिटी को सॉर्ट करना पड़ेगा, मतलब जिस हिसाब से आपको वैल्यू चेक करना है उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहले आप उसको सॉर्ट करिए, और सॉर्ट करने के बाद तब आप उसका ग्रुप वाइज रिजल्ट जान सकते हैं। जैसे देखिए अभी माउस की बात करें, माउस में तो माउस तीन जगह लिखा हुआ है ना, लेकिन हम कौन सा ऐसा फार्मूला लगाए कि माउस अगर 3 बार चाहे 6 बार चाहे 10 बार जितने बार भी लिखा हो, केवल माउस वाला प्रोडक्ट एक जगह हो जाए, समझ में आ रहा है, और प्रिंटर का जो प्रोडक्ट है एक जगह हो जाए, मतलब इसमें जो भी मैंने प्रोडक्ट लिखा है इस पूरे प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है उसमें एक जैसा प्रोडक्ट है तो एक पास हो जाए, फिर दूसरे जैसा प्रोडक्ट है तो वो भी एक पास हो जाए, मतलब ये सीरियल वाइज तरीके से हो जाए, यानी कि जब तक हम उसको ग्रुपिंग नहीं करेंगे तब तक हमको कैसे पता चलेगा कि सब टोटल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये कंपलसरी है कि पहले आप उसको क्या करिए, ग्रुपिंग करिए। तो देखिए ग्रुपिंग करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले पूरे प्रोडक्ट को हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए अब जैसे अगर मान के चलिए कि अगर आप सब टोटल निकालेंगे तो क्या इसमें किसी सेल्समैन का नाम दो जगह लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो फिर रिपोर्ट यही आएगा, कोई मतलब नहीं होगा, रिपोर्ट यही आएगा। और वही अगर 2 से 3 जगह अगर एक ही नाम लिखा होता तब इसके लिए हम सेल्समैन को भी सॉर्ट करके इस हिसाब से रिजल्ट निकाल लेते, लेकिन मान के चलिए कि हमारी कंपनी में सारे सेल्समैन अलग अलग प्रकार से काम करते हैं, सबका नाम अलग अलग है,
तो हम ग्रुपिंग करेंगे लेकिन किसका, प्रोडक्ट का और सेलिंग। यानी कि अगर हम सॉर्ट भी करेंगे तो वो प्रोडक्ट के बेस पे कर सकते हैं और सीटी के बेस पे कर सकते हैं। तो चलिए पहला हम बताते हैं किसके बेस पे, प्रोडक्ट के बेस पे। तो पहले तो प्रोडक्ट के पूरे पूरे प्रोडक्ट को आप एक साथ सिलेक्शन कर लीजिए, और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आपको होम टैब के अंतर्गत यहाँ पे आपको सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन दिखाई दे, दिख रहा है ना। इसमें आपको ले लेना है सॉर्ट A to Z, असेंडिंग और डिसेंडिंग, याद है। तो यस सर। देखिए इसमें दो ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है कि कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन और दे रहा है एक्सपेंड द सिलेक्शन। मतलब अगर एक्सपेंड सिलेक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो केवल वही डेटा सॉर्ट होगा जिसको कि आपने सिलेक्शन किया, और वही कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो इसके लेफ्ट साइड वाला डेटा चेंज हो जाएगा और इसके राइट साइड वाला भी डेटा सॉर्ट हो जाएगा। लेकिन आपको किसको करना है, एक्सपेक्ट क्या लिखा हुआ, एक्सपेंड द सिलेक्शन ऑप्शन पे, बस यहां से सॉर्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए जैसे ही मैंने सॉर्ट पे क्लिक किया तो ये अल्फाबेटिकल के रूप में हो गया। अल्फाबेटिकल में आप बता सकते हैं कि यफ पहले आएगा उसके बाद से एल आएगा, हो गया कि नहीं हो गया। आप खुद देखिए फ्रिज एक ही जगह लिखा हुआ है तो एक ही जगह इसका क्वांटिटी दिखा रहा है, लैपटॉप तीन जगह लिखा हुआ है तो तीन जगह दिखा रहा है, मतलब एक सीरीज बन गया। और यहाँ पे देखिए मेमोरी एक ही जगह है, मॉनिटर दो बार है तो दो बार दिखा रहा है, माउस तीन बार है तो तीन बार दिखा रहा है, प्रिंटर दो बार है तो दो बार दिखा रहा है, लेकिन किस बात किस बेस में दिखा रहा है, A to Z वाले फंक्शन में दिखा रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं असेंडिंग की डिसेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा है, हो जाएगा सॉर्ट। हाँ देखिए सब टोटल निकालने से पहले आप किसी ना किसी डेटा को सॉर्ट करेंगे तभी जाकर के आपको रिजल्ट प्राप्त होगा, यानी कि बिना सॉर्ट किए ही आप सब टोटल में चले गए तब नहीं बताएगा रिजल्ट। पहले डेटा को सॉर्ट करिए और सॉर्ट करने के बाद फिर पूरे डेटा को एक साथ सिलेक्शन कर लीजिए, पूरे टेबल को, ठीक है। सिलेक्शन करने के बाद चले जाना है डाटा टैब, कहाँ पे आना है, डाटा टैब, और यहाँ पे एक हेडिंग लिखा हुआ है सब टोटल, दिख रहा है, इसी पे जस्ट क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें दे रहा है एट, कह रहा है कि एट ईच चेंज इन, आप चेंजिंग किस में देखना चाहते हैं, तो किसको मैंने सॉर्ट किया है, किसको सॉर्ट किया है, प्रोडक्ट को सॉर्ट किया है, तो यहाँ पे SR नंबर को हटा करके क्या ले लेंगे, प्रोडक्ट ले। अब देखिए अब कह रहा है कि यूज फंक्शन, कौन सा फंक्शन प्रयोग करना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट को हमको क्या करना है, जोड़ करके दिखाना है ना कि कितने रुपए का टोटल सेल हुआ, हमको सम करके दिखा दे, इसलिए फंक्शन में क्या ले लेंगे, इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए बहुत सारा ऑप्शन आएगा, लेकिन हम कह देंगे कि नहीं बस हमको केवल सम निकालना है, और यहाँ से बस कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से ओके कर देना, क्या कर देना है, ओके कर देना। इससे क्या समझ में आया, इससे कुछ समझ में आ रहा है, जैसे देखिए फ्रिज का टोटल सेल 34,484 रुपए का बता रहे, लैपटॉप का टोटल सेल यहाँ पे टोटल सेल बता रहा है देखिए 1,10,356 रुपए का बता रहे, फिर देखिए मेमोरी का टोटल सेल एक ही जगह लिखा है तो एक ही जगह बता रहे, मॉनिटर का टोटल सेल यहाँ पे बता रहे देखिए 72,616 रुपये, आप जोड़ करके देखिए 34,597 है, 38,019 है, कितना आएगा, कितना आएगा, यहाँ पे वैल्यू आप ऐड करके देखिए। जैसे मान के चले कि सिंपली हम मॉनिटर को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इक्वल लिखिए और एक अमाउंट है कितना 34,597 और प्लस क्या है 38,019, यहाँ पे रखिए 38,019 और दोनों को ऐड करके देखिए कितना आया 72,600, इसलिए ये हमारा वैल्यू क्या है, सही है कि गलत है, सही है। सही है। अब देखिए इसमें आप ये भी पता लगा सकते हैं कि अगर ये मॉनिटर बेचा गया है तो फर्स्ट मॉनिटर किसके द्वारा बेचा गया है, सेकंड मॉनिटर किसके द्वारा बेचा गया। आप आसानी तरीके से जब तक डेटा को सॉर्ट नहीं करेंगे तब तक ये रिजल्ट आपके पास नहीं आएगा, समझ में आ रहा है हम क्या बता रहे हैं, यानी कि देखिए टोटल का सब टोटल यहाँ पे जोड़ करके बता रहा हूं। अब चलिए अब हम चाहते हैं कि हमारा जैसे डेटा था उस तरीके से हो जाए तो क्या करेंगे, इसको अब देखिए इसको और भी सॉर्ट करके आप देखना चाहते हैं, और भी मतलब संक्षेप में करके देखना चाहते हैं कि जैसे आप ये चाहते हैं कि केवल प्रोडक्ट ही दिखाए, उस व्यक्ति का नाम ना दिखाए,
सीटी मत दिखाए, सेल मत दिखाए, लास्ट में ग्रैंड टोटल या टोटल सेल अमाउंट हमको दिखाए, तो बस यहाँ पे जो माइनस बना इसी पे क्लिक करते जाए। मान के चलिए कि आपसे तो इसी तरीके से पूछा जा सकता है ना कि फ्रिज टोटल कितने रुपए का बेचा गया है, तो 34,484 रुपए का बेचा गया। लैपटॉप टोटल कितने रुपए का बेचा गया है, तो 1,10,356 रुपए का बेचा गया। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? अब जैसे मान के चलिए कि मालिक आपसे पूछ दिया कि नहीं इस तरीके से हमको नहीं समझ में आ रहा, फिर आप डिटेल में बताइए तो फ्रिज किसके किसके माध्यम से बेचा गया है, तो प्लस पे क्लिक करिए, बता रहा है। फिर मालिक कह दिया कि चलिए फ्रिज के बारे में आपने बता दिया, आप लैपटॉप के बारे में बताइए, तो देखिए लैपटॉप के बारे में बता रहा है, कह रहा है 3 लोग मिलकर के सेल किए हैं, राम, किरण और हाँ कोई दिक्कत किसी को हो जाएगा। अब चलिए अब हमारा टेबल जैसे था वैसे लेके आना चाहते हैं, जैसे आपका टेबल था वैसे आपको लेके आना है, तो देखिए इसके लिए क्या करिएगा। इसके लिए पूरे टेबल को सिलेक्शन करना है और फिर वहीं चले जाना है सब टोटल में, और बस यहाँ पे कर देना है रिमूव ऑल। देखिए अलग अलग नहीं था, अब ऐसे जैसे पहले आपका डेटा था बस उसी तरीके से होगा। ये SR नंबर सीरियल नंबर चेंज होता रहता है, इससे आप ये चेंज क्यों हुआ, नंबर क्योंकि मैंने डेटा सॉर्ट किया। हाँ नंबर को हम कैसे सॉर्ट करेंगे, वैसे चेक करेंगे, वैसे वो ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अल्फाबेटिकल के क्रम में भी हो सकता है, बढ़ते से घटते हुए। अभी पहले रुकिए, पहले इसको बताने दीजिए। अब देखिए अब मैंने तो अब बताया किसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। अब मालिक आपसे भी तो पूछ सकता है कि केवल आप ये नहीं जानना चाहते, अब केवल आप ये बता दीजिए कि पडरौना का टोटल सेल कितना रुपए का किया गया या रामकोला का टोटल सेल कितने रुपए का किया गया, तो क्या करेंगे? पहले सीटी को सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद सॉर्ट करेंगे, क्योंकि जब तक हम सॉर्ट नहीं करेंगे तब तक वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो पहले पूरे सीटी को आप सिलेक्शन कर लीजिए, सिलेक्शन करने के बाद आप चले जाइए सबसे पहले होम टैब, और यहाँ से इसको भी कर दीजिए क्या सॉर्ट A to Z, और यहाँ से एक्सपेंड द सिलेक्शन, बस यहाँ पे सॉर्ट कर दीजिए। अब देखिए जो भी सिटी है सारा सिटी एक पास हो गया, लेकिन पहले वाला सेटिंग अलग अलग हो गया, ध्यान से देखिए, क्योंकि अब इसको मैंने सॉर्ट किया, इसको सॉर्ट नहीं किया। आप देखिए देवरिया 3 जगह है, हाटा 1 जगह है, कसिया 2 जगह है, लखनऊ 2 जगह है, पडरौना 1 जगह है, पटना 1 जगह है, और रामकोला 1 जगह, अल्फाबेटिकल में कर दिया है ना। अब देखिए करना क्या है, अब फिर पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए, चले आइए डाटा टैब में, और कहाँ आना है सब टोटल में आ जाना। अब बताइए किसको लेना है इसमें, आप प्रोडक्ट को हटा करके क्या ले लेना है, सीटी ले लेना है, और इसमें भी सम ही निकालना है। अब इसके बाद से क्या करना है, बस ओके कर दे। देखिए बता दिए देवरिया में टोटल सेल हुआ है इतने रुपए का, कसिया में टोटल सेल हुआ है इतने रुपए का, लखनऊ में टोटल सेल हुआ है इतने रुपए का। समझ में आ रहा है? अब मान के चलिए कि मालिक आपसे कह दिया कि नहीं इस तरीके से नहीं जानना है, हम क्यों बिल्कुल शॉर्ट में करके जानना है, तो क्या करेंगे, माइनस पे क्लिक करते जाएंगे, ये पूरा डेटा आपका खत्म हो जाएगा, पूरा डेटा नहीं दिखाएगा लेकिन केवल आपका सीटी दिखाएगा। आप आसानी तरीके से उसको बता सकते हैं कि अब आप डिटेल में देख लीजिए कि किस सीटी में कितने रुपए का टोटल सेल किया गया। जैसे यहाँ पे जो 2 जगह 3 जगह दिखा रहा है ना, वो केवल यही दिखाएगा, तो मतलब यही केवल दिखाया, तो हम बोल सकते हैं ना कि डेटा को और भी शॉर्ट करके दिखा रहा है। अब चलिए अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर इसमें अगर हमको मैक्सिमम छांटना हो तो कैसे छांटेंगे। जैसे मान के चलिए मालिक इस तरीके से भी तो पूछ सकता है कि मान के चलिए कि आपके पास 3 ही डेटा है, तो आप इसमें मैक्सिमम छांट सकते हैं कि मैक्सिमम सेल हुआ है 38,542 रुपए का, किस सिटी में, देवरिया सिटी में। लेकिन वही अगर देवरिया 10 जगह लिखा हो तो उसको छांटने में दिक्कत आएगी ना, तो मालिक आपसे भी तो पूछ सकता है कि बताइए कि देवरिया सिटी में कितना मैक्सिमम सेल हुआ, या कसिया सिटी में मैक्सिमम कितने रुपए का सेल किया हुआ, यानी कि हम सम की वैल्यू तो निकाला ही मैंने, अब हमको मैक्सिमम भी इसमें निकालना।
मैनेजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैक्सिमम भी हमको चेक करना है कि हर सिटी में मैक्सिमम मान के चले कि किसी में अलग होगा, किसी में अलग होगा, किसी में अलग होगा, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? क्वेश्चन बनती है ना, तो बस करना क्या है, देखिए पूरे टेबल को आप सिलेक्शन कर लीजिए पुनः, और करने के बाद पुनः आप सब टोटल पे आ जाइए। अभी तक तो आपने क्या निकाला था, सम निकालना था, किसके बेस पे, सेटी के बेस पे। लेकिन आप ये, आपको ये भी जानना है मैक्सिमम के बारे में, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है रिप्लेस करंट सब टोटल। रिप्लेस का मतलब उसके स्थान पर कोई दूसरा वर्ड रखना, मैंने बताया है ना रिप्लेस। तो मान के चलिए कि जैसे रिप्लेस हम करना चाहते हैं, यानी कि सम तो रहे ही रहे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम भी निकालें, तो इस ट्रिक को हम यहाँ से क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्या करेंगे, हटा देंगे। हटाने के बाद, इसके बाद से आप सम को हटा करके, चूंकि सम एक बार मैंने निकाल ही लिया है, अब क्या निकालना है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, मैक्सिमम, और बस यहाँ से ओके करिए। देखिए बता रहे देवरिया में मैक्सिमम 38,542 रुपये, हाटा में मैक्सिमम 39,302 रुपये, कसिया में मैक्सिमम 39,946 रुपये। समझ में आ रहा है, यस सर, कोई दिक्कत किसी को? अब सर चाहेंगे तो मिनिमम भी तो निकाल सकते हैं, यस लेकिन सर मैक्सिमम निकल गया तो मिनिमम निकालने की क्या आवश्यकता, वैसे डेटा हम देख करके समझ जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखिए, अब अगर हम डेटा को प्रिंट करेंगे तो कुछ ऐसे डेटा हमारा दिखाएगा। कुछ ऐसे डेटा हमको शो करके दिखाएगा। अभी बता रहे हैं, देखिए कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। जैसे मान के चलिए ये प्रिंटिंग के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, जैसे मान के चलिए कि आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि इस पूरे को पार्टीशन करके आप बताइए, पार्टीशन करके आप प्रिंट दीजिए, मतलब अलग अलग पार्टीशन करके आप दिखाएं, इसका अलग हो जाए, इसका अलग हो जाए, इसका अलग हो जाए। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे अगर एक बार में प्रिंट करेंगे तो पूरा डेटा आपके पास आ जाएगा, लेकिन मालिक आपसे ये क्वेश्चन कर दिया कि हमको पार्टीशन में प्रिंट करके आप दीजिए, हमको सबको अलग अलग रिकॉर्ड देखना है, तो देखिए इसके लिए क्या करिएगा, पहले तो पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद आपको चले जाना है सबसे पहले सब टोटल पे, कहाँ पे आ जाना है, सब टोटल पे। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, देखिए पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स, पेज को ब्रेक करना चाहते हैं लेकिन ग्रुप के हिसाब से, इसलिए इस ऑप्शन पे ट्रिक कर दीजिए, ओके करो, ठीक है। अब कंट्रोल पी दबाइए, देखिए केवल देवरिया का है ये, चूंकि प्रिंटिंग के सेटिंग हम बताएंगे अभी, पेज लेआउट पढ़ाएंगे तो उसमें प्रिंटिंग की भी सेटिंग आपको पढ़ाएंगे, उसमें ये ऑप्शन आएगा। देखिए केवल देवरिया का दिखाया है, पूरा नहीं आ रहा है ना, पेज की ओरिएंटेशन यहाँ से चेंज करेंगे आ जाएगा। किस सिटी का बता रहा है, देवरिया देवरिया सिटी का बता रहा है। इस तरीके से हम ग्रुप वाइज भी प्रिंटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को? अब ये जब प्रिंटिंग आप निकालेंगे तो ग्रुप वाइज प्रिंट होता जाएगा, बस आपका डेटा एक बार में नहीं दिखाएगा। ये पता करना हो कि कोल्ड ड्रिंक का सेलिंग ज्यादा हो रहा है, इसका तो ये प्रॉब्लम नहीं, निकल नहीं रहा है, इसमें मैक्सिमम से नहीं निकल रहा है, क्वांटिटी है वो तो बस एक ही का एक ही प्रोडक्ट रखेंगे तब तो बताएगा, क्वांटिटी मैंने दिया नहीं है।
क्वांटिटी रखेंगे तो क्वांटिटी का कॉलम बढ़ जाएगा, बस क्वांटिटी को हम देख सकते हैं, हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को पीछे? यही आज की फार्मूला है। कोई दिक्कत किसी को? रागनी क्या सोच रही है? बहुत इजी है।